भैया ने हम लोग को पुलिस के हवाले कर दिया कि हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग निकलेंगे। ये आज हमारा कोलकाता का आखिरी दिन है, मतलब ख़त्म है कोलकाता की ट्रिप ख़त्म। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से सिलीगुड़ी, फिर नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करते हुए चलेंगे। एक्चुअली हम लोग को लगभग सुबह 8 बजे ही निकल जाना था, बट यहाँ पे बारिश हो रही है तो अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए। लगभग 10 बज रहा है, बारिश कंटिन्यू काफ़ी हो रही है, तो देखते हैं अभी कितना और समय लगता है और कोशिश है कि आज निकल ही जाएं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी के लिए और देखते हैं, यहाँ पे हमें हाईवे जाना पड़ेगा पहले आज। हाँ तो चलिए चलते हैं हाईवे और पता करते हैं कि हाईवे किस तरफ है और कौन सा, मतलब सियालदा से जाते हैं ट्रक, कहाँ से जाते हैं अभी कोई आइडिया नहीं है। जैसा होता है मैं आपको सब बताता हूँ। हम लोग बालीगंज से बस पकड़ चुके हैं क्योंकि भाई यहाँ पे लिफ्ट मिलना नामुमकिन है, लिफ्ट नहीं मिलेगी जल्दी क्योंकि भाई बड़ा शहर है, लिफ्ट मिलना नामुमकिन है। इसलिए अब हम लोग निकल चुके हैं बस से, हमें बस से पहले हावड़ा जाएंगे। हम लोग करीब 1 घंटा पहले ही हावड़ा पहुँच चुके थे और हावड़ा पहुँचने के बाद लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने दानकुनी हाईवे ढूंढा है और ये अंकल ने हमें बहुत मदद की है, अंकल जी ने हमारी, और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि काफ़ी लोग गलत गलत रास्ता बता रहे थे कि ये इस हाईवे चले जाओ उस हाईवे चले जाओ, तो फाइनली हम लोग को लगभग 1 घंटे लग गए हैं, 1 घंटे की मशक्क़त के बाद हमें हाईवे मिला है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं हाईवे, तो चलिए चलते हैं और आज हम कोलकाता में लिफ्ट लेंगे, तो चलिए बताते हैं आपको। सो फाइनली हमें 1 घंटे बाद यहाँ से लिफ्ट मिल चुकी है और लिफ्ट दी है मेरे भाई ने। भाई आपका क्या नाम है? अनिमेश तिवारी नाम है भाई का। और भाई ने हमें, मतलब हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी और यहाँ से हमें जाना है धानकुनी, पहले हाईवे जाना है। तो हाईवे के लिए मतलब सारकिया चौरस्ता एक पड़ता है कोई चौराहा, तो वहाँ भाई हमें छोड़ देंगे। तो भाई आप वैसे आप यहाँ पे कहाँ, कोलकाता में कहाँ रहते हो? सामने गोलाबाड़ी। अच्छा लोकल है यहाँ के। अच्छा भाई आप लोकल हो, तो वैसे आप बता सकते हैं कोलकाता का कल्चर आपको कैसा लगता है और आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? वैसे सिटी तो भाई अपना ही है कितना भी हो। सही बात है, आदमी बहुत जगह घूम लेता है, लास्ट में घूम के बोलता है कि मेरा घर बेस्ट है। सही बात है भाई, हमको सारकिया चौरस्ता तक छोड़ देंगे और उसके आगे हम लोग फिर धानकुनी निकल लेंगे। तो ये भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर। अब हम लोग निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। आप भाई कोलकाता में भी लिफ्ट लेने का ना अलग ही मज़ा है, मतलब एक भाई ने मुझे लिफ्ट दी, मज़ा आ गया, अच्छा लगा काफ़ी। और भाई ने मुझे ऐसी जगह छोड़ दिया है कि जहाँ से बिल्कुल सीधे है 10 किलोमीटर तक, तब 10 किलोमीटर फिर और लिफ्ट लेंगे, फिर वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे हाईवे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे लिफ्ट और उम्मीद है ये भी जल्दी मिल जाए। सो फाइनली हमें तुरंत ही एक नई लिफ्ट और मिल गई है और ये नई लिफ्ट दी भाई ने। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरूप है। क्या? अरूप। और भाई आप कहाँ से? वैसे प्रॉपर बंगाल, कोलकाता यहीं पर। अच्छा यहीं से? हम काम से जा रहे थे पुणे। अच्छा, से अच्छा। निकल जाएंगे। हाँ हम जाएंगे सलब की तरफ जाएंगे काम के। अच्छा, काम के लिए। और भाई ने, मैं बता दूँ, भाई ने मुझे 8 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, तो ये बहुत बड़ी जर्नी है मेरे लिए। तो चलिए मैं बैठता हूँ और मैं फिर हम लोग निकलते हैं तुरंत। तो अब हम लोग भाई निकल चुके हैं और ये भाई ने हमें एक नई लिफ्ट और दी है जो कि है लगभग 8 किलोमीटर। भाई आपको कोलकाता में सबसे अच्छा क्या लगता है? कोलकाता में सब कुछ ही अच्छा है। अच्छा सही बात है। अच्छा मतलब आपकी फेवरेट सबसे चीज़ अच्छी कौन सी चीज़ है? हम तो बताने तो सभी कोलकाता में सभी अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ का फेवरेट फूड क्या है? यहाँ का फेवरेट फूड है रसगुल्ला है। रसगुल्ला, हाँ। और मछली भात है। हाँ ये भी बात है। कचौड़ी है। और यहाँ का मैंने देखा है भैया, यहाँ का जो खाना है ना बहुत सस्ता है, अगर हाँ। आप किसी और सिटी के मुकाबले जाएं ना तो, हाँ यहाँ पे सस्ता मिलता है सब खाना। हाँ यहाँ पे सस्ता बहुत खाना है। और मैं बता दूँ भाई ने मुझे 8 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग कहाँ फंसे थे और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, फाइनली भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया है। अब यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर बचा होगा। हाँ 3-4 किलोमीटर। हाँ तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग उतरते हैं, अब मैं उतर रहा हूँ। भाई थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी लिफ्ट दी। हाँ थैंक यू सो मच ब्रदर।
भाई मैं तो लिफ्ट लेके आ गया और मेरा दोस्त भी लिफ्ट लेके आ गया, और पता ये जिसके साथ लिफ्ट लेके आए उसको उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने मुझे पहले तो भाई एक रेस्टोरेंट ले गए, पेटीज खिलाई, फिर उन्होंने ये पैक कराया बहुत सारा, देखो मेरे लिए भी भेजा है और पेस्ट्री भी है, और पेस्ट्री भी दी, साथ साथ रिक्शा जो है वो रिजर्व में करके दिया और अपना नंबर भी दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल करता है। इतने अच्छे लोग हैं जसवाल, देखो देख रहे हो कितनी अच्छी दुनिया है। मुझे बहुत सारे लोग हम लोग को मिले ना एक जेन्युइन बनता है, जेन्युइन मतलब उनको ये मतलब नहीं था कि आपके व्यू सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं था, वैसे वाले मतलब बिल्कुल बकायदा अच्छे से खातिरदारी की। तो चलिए अब निकलते हैं धानतुनी, इसको पीते पीते निकलेंगे, ठीक है? धानतुनी से पकड़ेंगे सिलीगुड़ी के लिए लेफ्ट, चलिए ठीक है अब हम इसको पीते हैं। भाई आप लोग देख सकते हैं ये लिफ्ट मिली है भैया के थ्रू। भैया का क्या नाम है? अर्पण। अर्पण, हाँ अर्पण सिंह। और देख लीजिए भाई, भैया का जज्बा गाड़ी चलाने का, और ऐसे मतलब मेरा बैग आगे रखे हुए हैं तो मान के भैया आपके इतनी हिम्मत है और मज़ा आ रहा है। चलो वीरे रस्ते में जो मिलता है संगत बना के रखियो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर संगत बना के ना रखियो तो इस जमाने का क्या फर्क है। सही बात है। और भैया ने हम लोगों से तुरंत ही पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ देता हूँ, तो ये बहुत मतलब बढ़िया है, मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग लगभग हाईवे पहुँच चुके हैं, ये देखिए ये हाईवे का थाटलिन है, ये लोग अभी खाना वाना खाएंगे उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेकर यहाँ से निकलेंगे। ढाबा है यहाँ पर भैया, हम लोग को ढाबा लेके आए हैं, खाने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन अब जी। सर सर भारत यात्रा। ओ, आप लोग जी कहाँ से आ रहे हैं? कानपुर, लिफ्ट लेके पूरा कानपुर से आ रहे हैं जी। अच्छा लिफ्ट, अच्छा आपका हम देखे हैं लग रहा है, वो आप अकेले हैं ना? जी और एक मेरा दोस्त अभी दोस्त आया हुआ है। अच्छा अच्छा जी जी ना, हम देखे हैं आप पैदल चलते हैं और वो हाँ, हम आपका यूट्यूब में देखे हैं। अच्छा 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 हाँ हाँ देखे हैं। अच्छा अच्छा, उसी हिल एरिया में या फिर आपका कहीं पे ऐसा कोई जगह में देखे हैं? हाँ हिल एरिया में गए थे हम लोग, हिल एरिया में देखे हैं। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड गए थे ना? हाँ 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 वहाँ पर लिफ्ट लेके पूरा लिफ्ट लेते हैं जितना मिल जाए जो कोई छोड़ दे। हाँ 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 सर सर हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं। सर आप प्रॉपर कहाँ से? मेरा तो यहीं पे हावड़ा में बाली में घर है, उत्तरपाड़ा में। अच्छा अच्छा अच्छा, उत्तरपाड़ा में घर है। अच्छा अच्छा, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से थोड़ा दूरी है। हम लोग कभी कभी आ जाते हैं आउटिंग के लिए, थोड़ा बाहर आ जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम देख के पहचान लग रहा है कि कैसा आपको देखे कहाँ पर। सर मैं आपको बता दूँ, सर ने हमारी वीडियो देखी हुई है। देखिए कुछ लोग में ही मिल जाते हैं। थैंक यू बोल रहे हैं सर, हम लोग ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं। तो भैया ने हम लोग को देखिए चाय ऑफर की है, और ये है भैया बैठे हैं। अब भाई भैया का जज्बा हिम्मत मान गया कि भाई भैया ने गाड़ी आगे, अब मैं अपनी गाड़ी में मेरा बैग आगे रखा हुआ था, भाई ऐसे कोई गाड़ी इम्पॉसिबल लोग ही चला सकते हैं, मतलब मेरे ख्याल से जल्दी को नहीं चला सकते राजन, है ना? और भैया अपने आप रुके हुए थे, मान गए यार कि मतलब है लोग, हेल्पिंग मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है यार कहीं ना कहीं से। और कहते हैं ना जब इरादे नेक हो भगवान भेज ही देता है। तो चलिए मुझे लग रहा था ये लाइन कहीं गलत तो चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं चाय पानी करते हैं, और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से कुछ देर में तुरंत ही। हम लोग नाश्ता पानी करके फिर से निकल चुके हैं, तो चलिए देख रहे हैं भैया का जी। राजन अपने पास पकड़ लो तो ये देखिए भाई, हिम्मत माननी पड़ेगी भैया की। हाँ ओके, बैठ गया भैया। हाँ भैया, सो हम लोग यहाँ पे आ चुके भैया, ये जगह क्या नाम है? इस जगह का नाम है सिंगुड ब्रिज। भैया हम लोग की बहुत मदद की, भैया ने हम लोग को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि ये रोड बिल्कुल सेफ नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से जैसे ही कोई गाड़ी मिल जाती तो आपको ज़रूर बताएंगे, और सबसे बड़ी बात भैया ने हमारी बहुत हेल्प की, मैं आपको बता नहीं, नहीं वो वाहेगुरु का आदेश है, हमने पालन किया सी। वाहेगुरु ने भेजा है, संगत बना के रखना है, यही बात है। सच बता रहे हैं, ठीक है, फरिश्ते हैं हम लोग। नहीं नहीं फरिश्ता हम नहीं है, वो है, वो ऊपर वाला होता है फरिश्ता। मुझे बैगुड़ू ने वजह से मैंने यहाँ पर सौंप दिया, यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
टाइम तो हर किसी के लिए निकलता है, गर्लफ्रेंड के लिए भी निकलता है, सबके लिए भी निकलता है, थोड़ा संगत में ही रहा करो, कोई बात नहीं। सही बात भैया, चलो भाई ओके भैया, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ओके ओके ओके। सो भाई हम लोग खड़े थे हाईवे में और भाई मुझे मिले हैं ये हावड़ा से, और भाई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? वृंदावन। वृंदावन तो भाई लोग, ये लोग आ रहे हैं यूपी, और इनका स्वागत धूमधाम से करो। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, बहुत अच्छे लोग हैं यार। चलो भाई ठीक है, हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना, और वृंदावन बढ़िया है, खूबसूरत है, खूब खूब घूमो। क्या बोलते हैं बंगाली में, बंगाली में क्या बोलते हैं? खूब बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है बंगाली में, खूब भालो लगलो दादा साथे परिचय। तो चलिए ठीक है, परिचय खूब भालो लगे। तो चलिए ठीक है, अब लोग निकलते हैं। ओके भाई, तो आप देख रहे हैं हमारा टेंट लग चुका है, ये देखिए, और अब हम लोग सोते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।